मैं आपका दोस्त अभय कुमार, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और मेरे वीडियो देख के आप जो भी लाभ है उसको उठा सकें। इस बार का जो टॉपिक है वो हम मुझे फ़ोन करके बताया, पूछा कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए ताकि मैं उसको जान पाऊँ। तो इस बार का जो टॉपिक है वो है कि सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए, सेफ्टी इंजीनियर बनने के लिए, सेफ्टी स्टूअर्ट बनने के लिए कौन सा कोर्स किया जाए और कहाँ से किया जाए, ठीक है, ताकि हम उसको अच्छे से कहीं भी जाएँ, जॉब करने जाएँ तो सेफ्टी का जो कोर्स है वो हमारे लिए वैलिडेट हो ताकि कोई उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सेफ्टी ऑफिसर कोर्स करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फुलफिल करना होता है। तो सबसे पहले तो जो कोर्स होता है वो लोग एज फॉर फैक्ट्री एक्ट जो है, फैक्ट्री एक्ट 1948 जो बोलता है कि एलिजिबल सेफ्टी पर्सनल बनने के लिए आपको RLI या CLI इंस्टीट्यूट से आपको सेफ्टी का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। RLI क्या है? रीजनल लेवल इंस्टीट्यूट, ठीक है, और CLI सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूट। तो उससे जो आप कोर्स करके आते हैं तो वो आपके लिए कहीं भी एलिजिबिलिटी आपकी होती है एज ए सेफ्टी पर्सनल बनने के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि RLI एंड CLI का तो सिर्फ सीट है, वो हर एक जगह हर स्टेट में लिमिटेड सीट है, जिसके वजह से हर किसी का एडमिशन उसमें हो नहीं पाता है और वहां से लोग उस कोर्स को नहीं कर पाते हैं। उसके बाद क्या है कि हर स्टेट, एवरी स्टेट का है ना अपना एक टेक्निकल बोर्ड होता है जो कि ये कोर्स कराता है, ठीक है। हर स्टेट का, एवरी स्टेट का एक टेक्निकल बोर्ड होता है, वो इसका कोर्स कराता है। जैसे MSBT महाराष्ट्र टेक्निकल बोर्ड है जो कि आज इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी का है तो MSBT महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल बोर्ड से जो अप्रूव इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू अगर आप करते हैं तो आपको कहीं भी जॉब मिलने में आसानी होती है, ठीक है। उसके बाद भी अगर, क्योंकि MSBT तो एक स्टेट है, लेकिन अदर स्टेट्स जितने हैं वो सबका अपना अपना टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल बोर्ड है। उस बोर्ड के थ्रू बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको ऑथराइज होते हैं, वो उससे क्या करते हैं, अप्रूवल लिए रहते हैं और वो उस कोर्स को कराते हैं। तो जो आदमी कोई भी स्टेट टेक्निकल बोर्ड से अगर करके आपको कोर्स करके आ रहा है तो वो आपके लिए एलिजिबल होता है कहीं एज ए HSC पर्सनल या सेफ्टी पर्सनल बनने के लिए। स्टेट टेक्निकल बोर्ड से अगर आप करके आ रहे हैं तो आपके लिए वो एलिजिबिलिटी होती है ताकि आप उसको कर पाइए एज ए सेफ्टी पर्सनल, आप वहां पे जॉब कर सकते हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हैं जो आपको ये सब कोर्सेज कराती हैं, वन ईयर आपको कोर्स कराती हैं। बहुत सारे डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, एडवांस डिप्लोमा फायर एंड सेफ्टी है, अलग अलग डिफरेंट कोर्स हैं, ठीक है। कोई इंडस्ट्रियल सेफ्टी करता है, कोई इसको फायर एंड सेफ्टी करता है, ठीक है, कोई फायर इंजीनियरिंग करता है। सारे कोर्स अलग अलग नामों से होते हैं लेकिन बेसिकली इसको स्टडी मटेरियल होता है वो एक ही होता है। स्टडी मटेरियल क्या होता है, सबका एक ही होता है। इसके बावजूद भी, ये सारे बोर्ड होने के बावजूद भी अलग बहुत सारे ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी हैं
जो कि ये कोर्सेज कराती हैं, बहुत सारे ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी हैं जो इसको कोर्सेज कराती हैं। इसके बावजूद भी क्या होता है, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एक होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, उस HRD मिनिस्ट्री में बहुत सारे इंस्टीट्यूट को रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट को रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, उस इंस्टीट्यूट से भी आप कर सकते हैं और वहाँ से भी आपको ये इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रॉपर जो उसका प्रोसेस है उसके थ्रू आप जाएंगे तो आपको स्टडी होगा, प्रैक्टिकल होगा, आपको कुछ थ्योरेटिकल होगा, आपका एग्जाम होगा, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आप कहीं एज ए प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को एज ए सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कोई कोर्स करना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक, मेरे जानकारी में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं तो एक इंस्टीट्यूट है जो मैं आपको उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप जाके उस इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ें और आप जितना उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, एडमिशन लेना है तो उस इंस्टीट्यूट के बारे में आप पढ़ के एडमिशन ले सकते हैं। अगर किसी को मेरे से अगर सजेशन चाहिए तो डायरेक्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको उसका सजेशन दे पाऊँ कि आप कहाँ से कौन सा कोर्स करें, ठीक है। इसके बाद एक आता है इसमें सेफ्टी कोर्स करने के लिए, लोग बोलते हैं कि सर गल्फ बाहर मुझे जाना है क्योंकि बाहर का सबसे ज़्यादा सेफ्टी का सबसे ज़्यादा अगर कोई स्कोप सबसे ज़्यादा अगर है, इंडिया में तो अभी डेवलप हो रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा जो GCC है मतलब गल्फ रीजन का जो भी कंट्री है, गल्फ रीजन का कंट्री है उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या डिमांड है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं कुछ कोर्स बता देता हूँ लेकिन उस कोर्सों के बारे में मैं आपको बाद में थोड़ा उसका डिटेल बताएंगे। निबोस IGC, ठीक है। उसके बाद है निबोस IOGC। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर निबोस मैंने HSW किया है, ठीक है, लेकिन HSW का बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, कोई उसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता नहीं है, HSW का कोई बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता नहीं है गल्फ में। गल्फ में सबसे ज्यादा अगर किसी का डिमांड है तो IGC का, ठीक है, गल्फ में अगर सबसे ज्यादा डिमांड है तो वह है IGC का, IGC का सबसे ज्यादा डिमांड है। ये IOGC ऑयल एंड गैस, इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस सर्टिफिकेशन होता है, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट होता है IGC का फुल फॉर्म, IOGC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस सर्टिफिकेट। तो IOGC केवल ऑयल एंड गैस के लिए है एंड IGC आपको पूरे क्षेत्र के लिए है, चाहे आप कंस्ट्रक्शन में जाए, ऑयल एंड गैस में जाए या कहीं भी जाए उसके लिए ये होता है। इसके बाद और भी कुछ कोर्सेज होते हैं जैसे कि IOS, ठीक है, इसके बाद OSAR, ये भी कुछ कोर्सेज होते हैं गल्फ के लिए, लेकिन गल्फ के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी का डिमांड है तो वह है निबोस IGC, ठीक है। और इंडिया के लिए, इंडिया में अगर हम काम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा अगर किसी का डिमांड है तो वह है हमारे टेक्निकल बोर्ड से, कोई भी MSBT हो या कोई भी, अगर आपको RLI से मिल जा रहा है एडमिशन तो सबसे बेस्ट है, उससे ज़्यादा उससे आप कोर्स करिए। और आजकल तो BTEC फायर एंड सेफ्टी में हो रहा है, ठीक है, BTEC इन्वायरमेंटल में हो रहा है जो आजकल स्पेशलाइजेशन के तरफ हमको लेके जा रहा है। तो आपको जहाँ भी आप लोकल हैं या जो आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट आपको दिखता है आप पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है, आप उस चीज़ों को ऑब्जर्व करने का प्रयास करें क्योंकि सेफ्टी का कोर्स और सेफ्टी का जॉब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक हमको क्या है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि सेफ्टी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारे द्वारा अगर किसी को अवेयर किया जा रहा है और उसके साथ अगर किसी का जान बच जाता है तो हम लोग उसके लिए बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैं ये कहूँगा कि आप जब भी इसको काम करें प्रोएक्टिव होके काम करें, जब भी आप कोर्स करें प्रोएक्टिव सोचें और प्रोएक्टिव काम करने के लिए कोशिश करें।
थैंक यू मेरे दोस्तों, अगर मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है, अगर किसी को एडमिशन लेना हो तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।